प्रयागराज से बड़ी जानकारी। 15 जनवरी के बाद संभव यूपी टेट की निरस्त परीक्षा। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी मिल रही है। 28 नवंबर को पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी और परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सूत्रों का दावा है कि दिसंबर महीने में दोबारा परीक्षा कराना संभव नहीं है। जनवरी के अंतिम हफ्ते में ही परीक्षा होने की उम्मीद है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में परीक्षा हो सकती है, 15 जनवरी के बाद से ही परीक्षा हो पाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। पेपर तैयार करने, छपवाने, पैकेट तैयार करने और जिलों में भेजने में वक्त लगता है। अभी पेपर छपने वाली एजेंसी तय नहीं हो पाई है और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में पेपर हो सकता है फिर से। इस बार प्रयागराज के राजकीय मुद्रालय में छपवाया जा रहा है पेपर और प्राधिकारी के नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कल ही प्रयागराज में कार्यभार संभाला है और ऐसे में अब दोबारा परीक्षा के लिए जनवरी के अंतिम हफ्ते को तय माना जा रहा है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं, मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, जनवरी के अंतिम हफ्ते में परीक्षा वापस से हो सकती है यूपी टेट की, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए, 28 नवंबर को पेपर लीक होने के बाद यूपी टीईटी की परीक्षा जो है वो निरस्त कर दी गई थी। तमाम अभ्यर्थियों को, लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा था। उस वक्त सरकार की तरफ से ये दावा किया गया था कि एक महीने के अंदर ही निरस्त हुई परीक्षा को दोबारा करा दिया जाएगा। एक संभावित तारीख भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें 26 दिसंबर की डेट बताई गई थी, लेकिन बाद में उसका खंडन हो गया था। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दिसंबर महीने में परीक्षा हो पाना कतई संभव नहीं है, क्योंकि परीक्षा की एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी है, इसलिए दिसंबर में नहीं बल्कि 15 जनवरी के बाद ही यूपी टीईटी की निरस्त परीक्षा कराई जाएगी। क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है, पेपर तैयार कराने होते हैं, उनकी पैकेजिंग करानी होती है, सेंटर्स पर जिलों तक भेजने होते हैं और एडमिट कार्ड तो पहले भले ही जारी हो चुके हैं लेकिन अभ्यर्थियों को सूचना देनी होती है। इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि छुट्टी के दिन कौन सी ऐसी तारीख खाली है जिसमें कोई दूसरी बड़ी परीक्षा नहीं है, क्योंकि टीईटी में बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो उस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 2 महीने का वक्त लगेगा। तो हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि टीईटी की जो निरस्त परीक्षा है वो 15 जनवरी के बाद ही होगी और बहुत मुमकिन है कि जनवरी महीने के, नए साल का जो जनवरी महीना होगा उसके आखिरी हफ्ते में कराई जाएगी। तो अभ्यर्थियों को भी ये कहा जा सकता है कि जिन अभ्यर्थियों की तैयारी पूरी नहीं है उन्हें तैयारी करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल सकता है। हालांकि उसमें तमाम अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में कोई भर्ती निकलती है तो ये परीक्षार्थी जो ये अभ्यर्थी हैं ये उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी महोबा से दे। 3 बच्चों की हत्या कर मां ने फांसी लगा ली। घर के अंदर कमरे में शव बरामद किया गया है और घटना से परिवार में कोहराम की स्थिति है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के कटवरिया इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर के अंदर से सभी के शव को बरामद किया गया है और घटना से परिवार में कोहराम की स्थिति है। 3 बच्चों की हत्या और उसके बाद मां ने भी फांसी लगा ली, वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, कटवरिया इलाके का मामला, एक बड़ी घटना हुई है। 3 बच्चों की हत्या कर मां ने भी फांसी लगा ली।